अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर ग्वालियर से हमें मिल रही है। रेप माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 6 रेप माफियाओं को गिरफ्तार किया है। अवैध रेत से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। इसके साथ ही मौके से 2 कट्टा और 6 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान TI सुधीर कुशवाहा को चोट आई है। SP के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। ग्वालियर से खबर, रेत माफिया पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 6 रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया है। अवैध रेत से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। साथ ही मौके से 2 कट्टा और 6 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां पर रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के दौरान TI सुधीर कुशवाहा को चोट आई है। SP के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 6 रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश, 6 रेत माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। हेलो जी चंद्रेश जी, सॉरी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी, रेत माफिया पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, 6 रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल रात में पुलिस के रेत माफियाओं ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था जी। उसके बाद पुलिस आज हरकत में आई थी और पुलिस ने रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी एक डील की थी, जिसमें कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं, कुछ लोगों को भी पुलिस ने अभी पकड़ा है जी। चंद्रेश, जिस तरीके से लगातार प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद हम देख रहे हैं कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, आज भी ये कार्रवाई की गई, 6 रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया गया, अभी क्या इसके आगे भी और किसी पर भी गाज गिर सकती है? हाँ, अभी लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक का कहना था कि इस मामले में को सीरियसली ले रहे हैं और अभी इस मामले में और शाम तक बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है जी। चंद्रेश, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कार्रवाई के दौरान TI सुधीर कुशवाहा को चोट आई, आखिर कैसे चोट आ गई, क्या हुआ ऐसा? जैसे ही पुलिस ने वहाँ रेड की थी तो जो ये रेत अवैध उत्खनन के जो माफिया है, इन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था जी। पत्थर फेंके थे, इससे वो चोटिल हो गए जी। शुक्रिया चंद्रेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, रेत माफिया पर एक बड़ी कार्रवाई, 6 रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से जो है CM शिवराज के सख्त निर्देश हैं, माफियाओं के खिलाफ लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में ग्वालियर में भी इस कार्रवाई को, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।